महाराष्ट्र में इस बार बाढ़ और बारिश ने किसानों को जितना नुकसान पहुंचाया है शायद ही ऐसा कभी होता होगा। सोयाबीन, कपास, टमाटर, प्याज और केले की खेती को भारी नुकसान हुआ है। प्रकृति के प्रकोप ने किसानों के जीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। किसान उस मंजर को भूल नहीं पा रहे हैं। अब उनकी आंखों के सामने ही फसलें तबाह हो गई हैं। प्याज किसान भी बहुत परेशान है क्योंकि जब उनका स्टोर खुल रहा है तो 40-50% सड़ा हुआ मिल रहा है। इससे किसानों को लाखों रुपए का नुकसान हो गया है। कई किसानों ने मजदूर लगाकर खराब प्याज की छटाई शुरू करवा दी है ताकि जो सही है उनमें सड़न ना आए। जिन क्षेत्रों में बाढ़ और बारिश रही उन सभी में ज्यादातर किसानों का यही हाल है। अप्रैल में इन लोगों ने प्याज स्टोर किया था ताकि सितंबर अक्टूबर में अच्छे दाम पर बेच सकेंगे, लेकिन नुकसान हो चुका है। अब तक इस नुकसान की भरपाई के लिए राज्य सरकार ने कोई राहत नहीं दी है। पीड़ित किसान इस चिंता में है कि आगे वो खेती कैसे कर पाएंगे क्योंकि अभी भी खेतों में पानी भरा हुआ है। कम से कम 3-4 महीने के बाद ही उनमें खेती संभव हो पाएगी। कुछ किसानों के खेत बाढ़ अपने साथ बहा ले गए हैं। अब ऐसे किसान तहसील का चक्कर लगा रहे हैं। जलगांव के किसानों का कहना है कि इस साल न तो पुराना प्याज बचा और न ही प्याज की नर्सरी। किसानों पर अब दोहरी मार पड़ती दिखाई दे रही है। कांधा उत्पादक संगठन के नेता भारत दिगोले के मुताबिक जिन किसानों की पुरानी प्याज नमी की वजह से और नई फसल की नर्सरी बारिश से खराब हो गई है उन सभी को मुआवजा मिलना चाहिए ताकि वे आगे खेती कर सके। उनका कहना है कि लेट खरीफ की नर्सरी खराब हुई है। वहीं दिगोले की माने तो बारिश के चलते प्याज उत्पादकों को भारी नुकसानों का सामना करना पड़ा है। किसी को क्या पता कि किसान किन हालातों में खेती करते हैं। महाराष्ट्र के ज्यादातर हिस्सों में इसकी खेती देखी जाती है, लेकिन नासिक, शोलापुर, पुणे, अहमदनगर और धुले जिलों में इसकी खेती पर सबसे ज्यादा किसान निर्भर हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।